जय श्री राम। आज बहुत ही पावन दिन है, रामनवमी का दिन है। आज श्री राम जी ने जन्म लिया था। तुलसीदास जी ने रामायण में वर्णन किया है कि मंगलवार का दिन था, दिन का समय था, न ज्यादा गर्मी थी न ज्यादा सर्दी थी, और नवमी तिथि के दिन भगवान श्री राम जी ने जन्म लिया। इस दिन भगवान श्री राम जी ने जन्म लेकर पृथ्वी पर अपना अवतार लिया था। आज मैं आपको कुछ रामायण के बारे में बताऊंगी, कुछ ऐसा भी बताऊंगी। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको इसमें बहुत चीजें मिलेंगी। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप इसे सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को जरूर कीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक चीजें मैं बताऊंगी। रामायण में अयोध्या कांड में एक दोहा आता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बर नहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। इसका अर्थ ये है कि श्री गुरु जी के चरण कमलों में रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल देते हैं। देखिए, रामचंद्र जी के बारे में और इस दोहे के बारे में तुलसीदास जी ने स्वयं ही बता दिया, जो चारों फल देते हैं। इसको करने से आपको चारों फल मिलेंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और एक इसका सबसे बड़ा जो फल है वो ये है, वैसे तो रामायण आपके घर में दो चौपाई, चार चौपाई, तीन चौपाई, जितना भी मन हो आप पढ़ें। अगर आप नहीं भी पढ़ पाते हैं तो आप इस दोहे को, और इसके नीचे चार चौपाई हैं, उसका अगर आप डेली पठन करेंगे, डेली पाठ करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत, आपके घर में चेंजेस आएंगे, आपके घर में बहुत खुशहाली आएगी। आपके जो काम नहीं हो रहे, जैसे सपोज करो आपके घर में शादियां नहीं हो रही, किसी के घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा रहते हैं, या किसी के घर में आपने देखा होगा कि ऊपरी बाधाएं होती हैं, या किसी के घर में धन की प्रॉब्लम होती है, आप जिस भी भाव से इन्हें करेंगे आप देखेंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का देने वाले हैं। हमें करना क्या है, इसमें इस चौपाई से हम पढ़ना शुरू करेंगे, इस दोहे से पढ़ना शुरू करेंगे हम, श्री गुरु चरण सरोज रज से, और उसके बाद नीचे इसके चार चौपाइयां हैं। बस हमें इतना ही करना है, डेली हमें इसका पाठ करना है। मैं आपको बताती हूँ, ये अयोध्या कांड से ली हुई है, पेज नंबर इसका 328 है, और इसके नीचे आप केवल, ये जरूरी नहीं आप अर्थ पढ़ना चाहते हो केवल अर्थ अर्थ पढ़ लो, आप चौपाई पढ़ना चाहते हो उसका अर्थ भी पढ़ना चाहते हो वो भी पढ़ सकते हैं, या खाली आप दोहे और चौपाई भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना आपको रोज है। तो इसके नीचे जो दोहे हैं वो कैसे हैं, जब से राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चार दिस भूदर भारी सुकृत मेघ बर सही सुख बारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमग अवध अम्बुद कह छाई, मणिगण पुर नर नारी सुजाती सुचि अमोल सुंदर सब भांति, कह न जाए कछु नगर विभूति जन एतनय विरंचि कर तूती, सब विधि सब पुरी लोग सुखारी राम चंद्र मुख चंद्र निहारी, मुदित मातु सब सखी सहेली फलित बिलोक मनोरथ बेली, राम रूप गुणशील स्वभाव प्रमुदित होए देख मुनि राव। सब माताएं और सारी सखी सहेलियां अपने मनोरथ की बेल को फली हुई देखकर आनंदित हो रही हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देखकर सुनकर दशरथ जी भी बहुत आनंदित हो रहे हैं। जय श्री